नमस्ते दोस्तों, मैं सीए जितेंद्र सिंह। एक्चुअली मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ जिसका नाम है ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। तो उसके बोनस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो लोगों के माइंड में चल रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं लोगों को अपनी बात अपने तरीके से एक बार पहुँचा पाऊँ। हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट को आसानी से समझाना चाहता हूँ कि बोनस शेयर्स कहते किसे हैं, बोनस किस डेट पर आप शेयर लोगे तो मिलेगा, एक्स डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, प्राइस एडजस्टमेंट क्या होता है। तो ये जस्ट छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आई होप आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो देखिएगा, मान लीजिए मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं जिसका नाम क्या है, BCG लिमिटेड, ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। बिल्कुल आम आदमी के लैंग्वेज में इसको समझेंगे। आज की डेट में, आज 14th of March 2023 है। अब कंपनी ने क्या किया है, BCG लिमिटेड ने एक्स डेट डिसाइड की है बोनस की, 15th of March। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 15 मार्च को या 15 मार्च के बाद, ऑन और आफ्टर 15 मार्च को या 15 मार्च के बाद आप अगर इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आपको इस बोनस में कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मतलब कि आपको अगर बोनस का बेनिफिट चाहिए था तो आपको 14th मार्च, यानी कि आज जो डेट निकल चुकी है, तब तक आपको बोनस शेयर्स खरीदने चाहिए थे, राइट? तो एक्स डेट होता है वो डेट जिस डेट पर आपको बोनस का बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप 15 मार्च को, यानी कि कल या उसके बाद, अगर बोनस अगर शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से तो आपको बोनस का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक। अच्छा, अब आता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के जस्ट एक दिन बाद होती है, यानी कि 16 मार्च रिकॉर्ड डेट है। ठीक। तो अगर आपने 14th मार्च को शेयर्स खरीदे हैं तो 16 मार्च को आपका नाम रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स में आ रहा होगा। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, या फिर रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, उसमें आपका नाम आ रहा होगा। तो आपको पक्का पक्का शेयर्स मिल जाएंगे अगर आपने 14th मार्च को शेयर्स खरीदे हैं तो, या उससे पहले खरीदे हैं तो। मेरे ख्याल से आपको एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों क्लियर होंगी। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले होती है, राइट? अब मैं प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में दो चार बातें करना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए। मान लीजिए 14th मार्च को मेरे पास, 14th मार्च को यानी कि एक्स डेट से जस्ट पहले मेरे पास 100 शेयर्स थे। इसको और आसान बनाते हैं, 60 शेयर्स थे। आई वॉज होल्डिंग 60 शेयर्स ऑफ BCG लिमिटेड, और कंपनी ने कहा कि हम बोनस देंगे 2:3। प्लीज इसे पढ़िएगा, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, हर 3 के बदले कितने शेयर्स, 2 शेयर्स। नीचे से स्टार्ट करते हैं, यू शुड कॉल इट 2/3, हर 3 के बदले 2 शेयर्स। ठीक। तो मेरे पास अगर 60 शेयर्स हैं 14 मार्च को, तो मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे 60 गुणा जितने भी आपके पास शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये आता है 40 शेयर्स। तो यानी कि आफ्टर बोनस, जब भी मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे, तो बोनस के बाद 60 शेयर्स तो मेरे पास पहले से थे, कंपनी ने 40 शेयर्स मुझे फ्री में दिए, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो हो जाएंगे 100 शेयर्स। बोनस के बाद 60 शेयर्स मेरे पास पहले से थे, बोनस के बाद मुझे 40 शेयर्स और मिले, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 100 शेयर्स, राइट? ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे बोनस उन्हीं शेयर्स पे मिलेगा जो शेयर्स मैं होल्ड कर रहा था इस डेट से पहले, एक्स डेट से पहले। आइए अब प्राइस एडजस्टमेंट क्या होता है उसको सीखते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट की अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको ये मत समझिएगा कि बोनस मिल रहा है तो आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर सभी चीज इक्वल हैं, इकोनॉमी में कोई दबाव नहीं है, कोई मार्केट प्रेशर नहीं है, कोई यूक्रेन रशिया की लड़ाई नहीं हो रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, तो उस केस में प्राइस एडजस्टमेंट कंपनी के शेयर्स में देखने को मिलता है। वो क्या होता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आज 14 अगस्त को 60 शेयर्स मेरे पास हैं जिनकी मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू पर शेयर आसानी के लिए मैं इसे ले रहा हूं ₹100। वैसे आज ₹102.10 पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर अगर ₹100 है तो इसका मतलब मेरे टोटल शेयर्स की जो वैल्यू है आज 14th को, ऑन 14th मार्च, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स आएगा 60 shares into 100, 6000। ₹6000 मेरे टोटल शेयर्स की वैल्यू है। अब ये कितने शेयर्स हैं मेरे पास, ये है मेरे पास 60 shares, 60 shares की वैल्यू है ₹6000। बट मैंने जो ये शेयर्स परचेज किए थे, लेट से कॉस्ट या फिर आप कहें परचेज प्राइस पर शेयर, लेट से बेटे मैंने ये लास्ट ईयर परचेज किए थे ₹36 पर शेयर के हिसाब से, तो मेरी टोटल कॉस्ट जो आई होगी, ये तो टोटल मार्केट वैल्यू हो गई ₹6000, जो टोटल कॉस्ट आएगी 60 शेयर्स की 36 के हिसाब से, 60 shares into 36, तो मेरी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट निकल कर आती है 60 shares into 36 ₹2160। तो इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, आप इसे ऐसा समझें, बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस। बिफोर बोनस और आफ्टर बोनस, मेरी टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल कॉस्ट मेरी पहले भी 2160 थी, और क्योंकि बोनस के लिए मैंने एक भी नया पैसा नहीं दिया, तो मेरे आफ्टर बोनस भी कॉस्ट कितनी रहेगी, 2160 रहेगी, राइट? अच्छा, टोटल मार्केट वैल्यू आपको बता दूं, टोटल मार्केट वैल्यू मैंने बताया कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स इंटेक्ट हैं, और कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, तो टोटल मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगी। बिफोर बोनस मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू 6000 थी, अब भी 6000 ही रहेगी, फाइन। बट नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, बिफोर बोनस नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 60 थे, अब मेरे पास 60 प्लस ये 40 शेयर्स मुझे और फ्री मिले, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 60 जमा 40, यानी कि 100 shares। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरी मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी आएगी, तो बिफोर बोनस तो हम जानते ही हैं, 6000 को आप डिवाइड कीजिए 60 से, तो कितना आता है, 100 आ रहा था। वो तो हमें पता ही है कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी थी बिफोर बोनस, 100 शेयर की थी। अगर मैं बात करूं बेटे आफ्टर बोनस, तो क्या आएगा, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 6000 की है, बट अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 100 हैं, तो आफ्टर बोनस आपका जो प्राइस आएगा वो ₹60 पर शेयर आएगा मार्केट वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स बेशक आपके बढ़ गए हैं, बट आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि शेयर्स में प्राइस एडजस्टमेंट हुई है। एक छोटी सी बात और, उसके बाद मैं अपना वीडियो वाइंड अप करूंगा। मार्केट वैल्यू पर शेयर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो जो ₹100 थी पर शेयर, वो घटकर कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं। वहीं अगर मैं कॉस्ट पर शेयर की बात करूं, तो आप पाएंगे कि कॉस्ट पर शेयर जो पहले टोटल कॉस्ट 2160 थी, उसको आप 60 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये आपका आता था 36 पर शेयर, ₹36 पर शेयर, राइट? वहीं अब जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट अभी भी उतनी की उतनी ही है, बट क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 100 हो गए हैं, तो मेरी कॉस्ट पर शेयर भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो कितना आएगा आपका 21.60। ठीक, तो ना सिर्फ एडजस्टमेंट हो रही है प्राइस में, बल्कि मेरी कॉस्ट पर शेयर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ बोनस, और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई में कोई वैल्यू एडिशन किया है आपकी नॉलेज में, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक? और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहें आपके लिए, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, ताकि हम कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर कर पाएं। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।